देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 के दौरान एथेनॉल का उत्पादन वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 173 करोड़ लीटर से बढ़कर 302 करोड़ लीटर हो गया है। एथेनॉल सम्मिश्रण में भी लगभग 62% की वृद्धि हुई है। 2020-21 में एथेनॉल सम्मिश्रण 8.1% तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 5% था। देश में एथेनॉल की उत्पादता क्षमता भी सितंबर 2021 तक 825 करोड़ लीटर थी। यह उत्पादन क्षमता इस साल 31 मार्च तक बढ़कर 849 करोड़ लीटर हो गई है। यह उत्पादन क्षमता वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। आपको बता दें, देश में 2025 तक 20% इथेनॉल बेल्डिंग का लक्ष्य रखा गया था और इसे पूरा करने के लिए सरकार और चीनी मिलें पूरी कोशिश कर रही हैं। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।